15 नवंबर 1920 अकाल तख्त साहिब ते सिखां दीआं वख-वख जथेबंदियां दे होए इकट्ठ विच 175 सिख नुमाइंदे चुने गए ते कमेटी बनाई गई जो गुरद्वारा सुधार अते सिखी दी सच्ची सुच्ची भावना नूं पुनर्सुरजीत करन लई वचनबद्ध सी। इस कमेटी दा नाम श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी रख्या गया। श्री हरिमंदर साहिब विखे दिन दा आरंभ श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं सुनहरी पालकी विच सुशोभित करके उन्हां दे पवित्र सिंघासन प्रकाश स्थान ते ले जाए जाण नाल हुंदा है। श्री हरिमंदर साहिब विच अमृत वेले दा आरंभ रागी सिंघां दे गुरबाणी कीर्तन द्वारा हुंदा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा विशेष मेडिकल ते डेंटल हस्पताल ते उन्हां नाल जुड़े हुए कॉलेज खोले गए हैं जो कि हर प्रकार की सिक्ख्या सहूलत मशीनां ते ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। गुरु का लंगर इन्ने वड्डे पद्धर ते चलाए जाण वाला यह विस्तृत नैटवर्क गुरुद्वारियां विच हर रोज मुफ्त मुहैया कराया जाता है। हरिमंदर साहिब विखे एक दिन च तकरीबन 1,00,000 संगतां नूं लंगर छकाया जाता है। यह दुनिया का सब तो वड्डा रसोई घर है जिसनूं संसार भर दीआं संगतां वल्लों सेवा द्वारा चलाया ते छकाया जाता है। गुरु नानक साहिब द्वारा लाए गए सिक्खी दे बूटे अते बाकी गुरु साहिबान द्वारा प्रफुल्लत कीते सिक्खी बाग नूं सिख जगत दी इस धार्मिक संस्था वल्लों हरिया भरिया बनाउण अते सिक्खी दी महक नूं विश्व भर विच फैलाउण लई सुहिरदता नाल यतन कीते जा रहे हन तां जो आउण वालियां पीढ़ियां इह कहिण विच फकर महसूस करे कि मैनूं सिक्खी ते है मान। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ